नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम अयोध्या में और आप देख रहे हैं दीपोत्सव की आगाज के साथ साथ आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी अयोध्या में विराजमान हैं। इसे देखते हुए आइए हम जानते हैं कि यहाँ की जनता कितनी खुश होती है। वहीं पर हमारे साथ जयराम उपाध्याय जी हैं और हम जानेंगे कि आज किस तरह से इनकी हर्षोल्लास आज मनाई जा रही है या पूरे संपूर्ण भारत भर में भी आज भारत भर में मनाई ही जा रही है। लेकिन आज देश विदेश के लोग भी अयोध्या पर जरूर जरूर दीप उत्सव देखते हैं। तो आइए हम जानते हैं कितना खुश है, क्योंकि दीप उत्सव लगातार गिरिजाघर में रिकॉर्ड भी हो रहा है। इसे देखते हुए सभी को हर्षोल्लास अयोध्या वासी तो मना ही रहे हैं, वहीं पर भारतवासी के कोने कोने से आज यहाँ पर विराजमान है। स्वागत है सर। जी सर, आज अयोध्या नगरी पूरे हर्षोल्लास में डूबी हुई है। आज चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, नृत्य लोग कर रहे हैं, गीत हो रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और दीप मालाएं चारों तरफ सजाई जा रही हैं। और इसी कड़ी में लोग कहते हैं कि हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे। अवध धाम में छाई खुशियाली, अवध धाम में छाई खुशियाली, चारों तरफ देखो फैली हरियाली, हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे। आज हम लोग यहाँ गांधी पार्क मैदान में चाणक्य परिषद के द्वारा खूब दीपमाला सजाए हुए हैं और यहाँ तमाम हमारे साथी आए हुए हैं। आज श्री कृपा निधान तिवारी जी की अध्यक्षता में तमाम भक्त यहाँ आए हुए हैं। आज दीपमाला अभी हम लोग 6:30 बजे जलाएंगे और यहाँ दिव्य दृष्टि से सब लोग देखेंगे। ऊपर से देखिए, देवता लोग भी प्रसन्न है आज, क्योंकि कहा गया है कि अवध के बराबर नहीं भूमि कोई, अवध के बराबर नहीं भूमि कोई, वैकुंठ भी जिससे शर्मा रही है। तो आज अवध की छटा वही है जैसे त्रेता युग में हुआ था, जब राम जी आए हुए थे, दीप मालाएं सजाई गई थी, चारों तरफ खुशियां मनाई गई थी। आज वही दृश्य हमारा चारों तरफ दिख रहा है। इसी कड़ी के साथ सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी, आप देख रहे हैं अयोध्या से खास रिपोर्टिंग आज सुबह टाइम्स कर रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अयोध्या नगरी आज चमक रहा है, चारों तरफ आज दमक रहा है, और इसे देखते हुए आज हम सभी लोग, जिस तरह से कहते हैं कि हमारा एक नाम भी है, जिस तरह से कहते हैं कि अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर है, वाकई में स्वर्ग से भी सुंदर है। और यहाँ पर जिस तरह से आज विराजमान है, एक एक मीठी वाणी के साथ साथ अयोध्या की हर एक वाक्य आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, और रामचंद्र भगवान जी का हर एक वाणी जय श्री राम के साथ साथ यहाँ पर सुबह होती है और शाम भी जय श्री राम से ही होती है। आइए हम जानते हैं यहाँ की नगरी, अयोध्या नगरी और भगवान श्री राम जी की नगरी, पुरुषोत्तम नगरी, जहाँ आज पूरा संपूर्ण भारत भर के लोग दीप उत्सव तो मनाते ही है, लेकिन विश्व के लोग भी अब जो है दीप उत्सव मनाने लगे हैं। जैसे अमेरिका और भी ऐसे कई देश हैं जहाँ पर दीप उत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। तो आइए हम भी जानते हैं कि आज अयोध्या में खास एक अंदाज के साथ साथ इस तरह से आज सभी हम आपको बताना चाहते हैं। आइए हम पूछते हैं। जी स्वागत है सर। जिस तरह से अयोध्या का नाम देते हैं, जी सर थोड़ा आगे भी हैं और कहीं पर भी जाते हैं, अगर हम राजस्थान जाएँ या गुजरात चले जाएँ या बिहार चले जाएँ या कलकत्ता चले जाएँ या देश विदेश के देश को लेकर अगर अयोध्या का नाम लेते हैं तो खास तौर से बहुत सम्मान मिलता है। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? जय श्री राम। अयोध्या को लोग दिव्य दृष्टि से देखते हैं। दृष्टि तो सबके पास होती है, लेकिन दिव्य दृष्टि बिरले लोगों के पास होती है। तो इसलिए अयोध्या के वासी, अयोध्या में आए हुए लोग, अयोध्या के सब लोग दिव्य दृष्टि से अयोध्या धाम को देखते हैं और बड़ा पवित्र स्थान है। सरजू माँ बिल्कुल जो किलोरे मारती हुई वहाँ रहती हैं, हम लोग स्नान करते हैं उसमें और जन्म जन्मांतर के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि आए आज राम रघुरैया,
अवध में बाजे बधैया आए आज राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया आए आज राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। नर नारी सब मंगल गावे, नर नारी सब मंगल गावे। देखिए सब लोग नर नारी सब मिले हुए हैं, दीदी लोग भी आई हुई हैं, भैया लोग भी आए हुए हैं। तो कहा गया है कि नर नारी सब मंगल गावे, नर नारी सब मंगल गावे। हर्षित भाई सरजू मैया अवध में बाजे बधैया, हर्षित भाई सरजू मैया अवध में बाजे बधैया, हर्षित भाई सरजू मैया अवध में बाजे बधैया। आए आज राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। आज मोदी जी विराजमान हैं जी जी, और दूसरी बार अयोध्या आगमन हुआ है जी जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अभी मैं टीवी पर देख रहा था मोदी जी का जो पहला आगमन यहाँ पर हुआ था मोदी जी, तो बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते हैं। ऐसा पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने साष्टांग प्रणाम हमारे प्रभु को किया है, इसके लिए जोरदार तालियों से मोदी के लिए स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।